हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धा ज्ञान। हर कंप्यूटर में कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं कि कीबोर्ड कैसा होता है और वह वर्क कैसे करता है। दोस्तों, कीबोर्ड एक कैरेक्टर एंट्री डिवाइस है। किसी एक सामान्य कीबोर्ड में लगभग 101 से 120 तक की कीज़ हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कीबोर्ड किस टाइप का है। एक सामान्य कीबोर्ड में कैरेक्टर कीपैड, फंक्शन कीपैड, कर्सर कंट्रोल कीपैड और न्यूमेरिकल कीपैड होता ही है। और साथ ही में एक स्पेशल कीबोर्ड आता है जिसमें मल्टीमीडिया कीपैड भी होता है। आइए अब देखते हैं कि कीबोर्ड वर्क कैसे करता है। एक कीबोर्ड अपने आप में एक छोटे कंप्यूटर की तरह है। इसका खुद का एक प्रोसेसर होता है और एक सर्किट होता है जो कि उस प्रोसेसर को और उस प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि एक सर्किट का समूह होता है जो की का मैट्रिक्स बनाता है। ये की का मैट्रिक्स एक सर्किट्स का ग्रिड है जो कि हर की के नीचे जाल की तरह फैला होता है। हर की के नीचे ये सर्किट ब्रोकन होता है, यानी कि टूटा हुआ होता है। जैसे ही कोई की प्रेस की जाती है तो वो सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी कि स्विच हो जाता है। और सर्किट के कंप्लीट होने पर थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। स्विच के इस एक्शन से कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जिसे बाउंस कहा जाता है। इस बाउंस को प्रोसेसर फिल्टर करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा की प्रेस किया गया है। अगर किसी की को बहुत देर तक प्रेस करके रखा जाए तो प्रोसेसर उसे यह समझता है कि किसी की को बार बार प्रेस किया जा रहा है। जब प्रोसेसर को यह पता चलता है कि कोई सर्किट क्लोज हुआ है तो वह उस की लोकेशन को, यानी कि सर्किट की उस लोकेशन को अपने रोम में स्थित कैरेक्टर मैप के साथ मैच करता है। कैरेक्टर मैप जो होता है वह एक कंपैरिजन चार्ट की तरह होता है। किसी भी की को प्रेस करने पर जो करंट फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर कैरेक्टर मैप से मैपिंग करके प्रोसेसर ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी की को प्रेस किया गया है या कौन सी की के कॉम्बिनेशन को प्रेस किया गया है। इसी से वह आउटपुट जनरेट करता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है आपका कीबोर्ड। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे हर वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।